नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिसेंटली आए रिजल्ट्स में बड़ा एक्शन हो रहा है और जिन स्टॉक्स के नंबर दमदार आ रहे हैं, सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, वो तो इस तरीके से भाग रहे हैं, रुकेंगे ही नहीं। और यहां आप सभी के साथ दो तीन अपडेट शेयर करना चाहता हूं। पहली अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पे। आपको याद होगा जब इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, मैंने कहा था पूरे के पूरे ग्रुप को आउट परफॉर्म कर दिया है बालकृष्णा ने। एक तरफ सीएट अपोलो टायर एमआरएफ खराब नंबर पेश करते हुए दिखे हैं, लेकिन गिरावट रुकी है। वहीं बालकृष्णा इंडस्ट्री ने दमदार नंबर पेश करे हैं, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हो गया है और यह इस स्टॉक की री रेटिंग कर सकता है। 2450-2500 का भाव था अभी 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले, आप ओपन कर सकते हैं चार्ट। क्लियरली बोला था 3000 की तरफ जा रहा है ये शेयर। देखो ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ना, इसमें ये नहीं कह रहा कि हमारा टारगेट डन, मैंने कहा था सही हो गया। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, अगर किसी ने वो रिजल्ट्स वाली वीडियो देखी और वो पहले से स्टॉक को ओन करता था तो एक चीज क्लियर हो गई, जब अगले दिन 5% ऊपर गया था ना, उसने बेचा नहीं होगा। उसने कहा होगा यार 3000 तक शायद जा सकता है, शायद लगाया होगा लेकिन सोचा होगा, क्योंकि जब दिमाग में बात चली जाती है ना कोई, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उसके कंफ्यूजन ने उसे पैसा बना के दे दिया, उसने बेचा नहीं होगा। और यही हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज पकड़ के रखे बंदा, खराब चीज में थोड़ा सा अवेयर रहे। बालकृष्णा इंडस्ट्री का शेयर आज 3084 रुपए पे आ गया है। अगर आप देखें इस स्टॉक को तो वन साइडेड 2650 से रैली बनी है और 16 मई को 2500 रुपए का भाव था स्टॉक का, एक हफ्ते पहले 2470 रुपए का भाव था। इसी के साथ स्टॉक ने आज 3174 का लाइफ हाई लगा दिया है, पर वो कब लगा किसी को नहीं पता, लेकिन दिख स्क्रीन पे वही रहा है, अभी 3086 पे ट्रेड कर रहा है। अब सवाल उठता है भाई 3000 का टारगेट तो डन हो गया, अब क्या करें? तो देखो भाई साहब अंधी रफ्तार से भाग रहा है, अब फ्रेश एंट्री के लिए तो बोलूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर कहूंगा अभी भी मत बेचो। अब आप स्टॉप लॉस लगा लो, पता है कहां पे? एग्जैक्टली 3000 पे, यानी कि जो हमारा लक्ष्य था अब हमारा वो स्टॉप लॉस हो गया ट्रेलिंग। अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारा स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट, ये हमारी कंडीशन रहेगी। अब तो पहली अपडेट थी बालकृष्णा इंडस्ट्री, दूसरा अपडेट है आरवीएनएल पे, 338 पे ट्रेड कर रहा है, 346 लग गया है भाई साहब स्क्रीन पे। एक चीज क्लियर है, 275 रुपए भाव था दो दिन पहले, तीन दिन पहले आपसे कहा था रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, 300 रुपए हुआ, आपसे कहा था कि बेचो मत, क्योंकि 346 का जो इसका हाई है ना 15% दूर है अपने आई से। यही वर्ड्स थे ना मेरे, आई थिंक कल या परसों भी वीडियो बनाई थी कि 15% अपने लाइफ हाई से दूर है और जल्दी ही लगाएगा। रीजन टीटागढ़ रेल सिस्टम, रिजल्ट्स के बाद रॉकेट हुआ पड़ा है, नंबर तो इसके भी अच्छे, तो फिर क्यों ना भागे, लग गया लाइफ हाई। इरकॉन इंटरनेशनल, आपसे कंटिन्यू कह रहा हूं कि लाइफ हाई लगाएगा, लगा दिया आज लाइफ हाई, इनफैक्ट लाइफ हाई के 10 रुपए ऊपर और ट्रेड कर रहा है 5% के समथिंग। अगर बात करें आईआरएफसी तो इस पे भी 155 रुपए पे कहा था कि लाइफ हाई लगने वाला है। ये जो स्टॉक्स है ना, ये सेम मूवमेंट देते हैं। कुछ स्टॉक है जो एक साथ चलते हैं एक साथ गिरते हैं, जिनमें रेलवे में आता है आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, ये ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देते हैं। आपका अगर बात करूं मैं बाकी सेगमेंट में तो आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये ऑलमोस्ट सिमिलर मूव देते हैं। टायर स्पेस में एमआरएफ, जेके टायर, अपोलो सेम मूव देते हैं। वहीं बालकृष्णा, टीवीएस, श्रीचक्रा, इनकी अपनी चाल रहती है, ये जरूरी नहीं है वो चल रहे हैं तो ये भी चले। पूरी रैली में बालकृष्णा नहीं चला और जब ये एमआरएफ सीएट करेक्ट हो गए ऊपर से तो बालकृष्णा लाइफ हाई लगा रहा है। डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट है ना, वो इक्विपमेंट में जो आपका कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज होने वाले टायर बालकृष्णा बना रहा है, जो आपका कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं ये बना रहा है पैसेंजर व्हीकल वगैरह में, तो डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है। तो आपको क्लियर था कि भाई साहब लग रहा है तेजी बन रही है, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो बेचना तो बिल्कुल नहीं है। अब बाकी के रेलवे स्टॉक भी देखो आप, राइट्स, ये कम भाग रहा है क्या? 40 रुपए की तेजी यहां भी बन गई है, ये भी लाइफ हाई की तैयारी में है। और टेक्निकली बोला भी था राइट्स, आरवी, आईआरएफसी, ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बाकी भाग गए हैं। आप देखो क्या मूव बन रहा है, बढ़िया मूव पकड़ा है एकदम सही टाइम पे। अब बहुत सारे कमेंट यही होंगे कि भाई मैं लेना चाहता हूं किस भाव पे लूं, तो दोस्त आप ये सारी चीजें खुद रिसर्च करो आप कि कौन सा शेयर अपने लाइफ हाई से कितना दूर है, क्या इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, कब आने वाले हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आप रिसर्च करो। जब आप करोगे तो आप आगे के लिए अपने आप को तैयार कर लोगे, केवल अभी के लिए नहीं आगे का भी सोचो। आप बाजार में लंबे समय टिकने वाले हो, जब लंबे समय टिकोगे तो फिर इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। मैंने एक रील बनाई थी रिजल्ट सीजन शुरू होने से पहले कि रिजल्ट सीजन में मोटा पैसा बनेगा आपका, कैसे बनेगा, ये शेयर और ये शेयर सेम रिएक्ट करते हैं, इसके नंबर अच्छे आए और इसकी मूवमेंट देखना है कितना हाई है कितना लो है अपने प्रीवियस सेगमेंट में, जो स्टॉक में सेम मूव देता है उसके बारे में भी चेक करना है और प्ले करना है। लेकिन पहले ही क्वार्टर में प्ले मत करो, पहले क्वार्टर में रिसर्च कॉपी पेन में करो, अगले क्वार्टर में प्ले करो आप ठीक बैठ रहे हो तो।
और इसके ऊपर मैं डिटेल आपके साथ चीजें शेयर करूंगा कि क्वार्टर क्वार्टर आप कैसे पैसा बना सकते हो रिजल्ट सीजन में, कम से कम 10-15%, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। रिस्क भी उतनी हो जाती है, देखो जब हम रिजल्ट से पहले लेते हैं तो वो गैम्बल होता है एक तरीके से, बट प्रॉपर रिसर्च के साथ करोगे तो शेयर बाजार में पैसा भी बनता है, रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। बाकी इन्वेस्टमेंट इज द ओनली ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ खरीदारी के लिए, बाइंग के लिए, ट्रेडिंग वगैरह पे अपन अवॉइड करते हैं। मार्केट ने भी वापस से रिबाउंड मारा है, 30 पॉइंट ऊपर है, बट बाजार इस समय आराम से मूवमेंट दे रहा है, कोई खास बड़ी तेजी में है नहीं, ना बड़ी मंदी में है, फ्लैट कामकाज हो रहा है बाजार में, ये बहुत अच्छी चीज है। लेट्स सी बाजार किधर सेटल होता है, बट अभी निफ्टी हरे निशान में, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी किसी वक्त हरे निशान में आ सकती है, केवल इतना ही नहीं मिड कैप हरे निशान में लौट गया है और स्मॉल कैप में अभी भी 0.4% की गिरावट है, मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। IRCTC आप देखो बढ़िया कर ही रहा है, उसे बेचना नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।